दोस्तों कहते हैं कि इस संसार में अगर सबसे ज्यादा वफादार कोई रिश्ता होता है तो वो दोस्ती होती है। जहाँ पर भाई बहन बाप जब कोई काम नहीं आता है तो वहाँ पर एक वफादार दोस्त ही काम आ जाता है। लेकिन दोस्तों आपने ये भी सुना होगा कि एक दोस्ती में अगर किसी औरत का एंट्री हो जाता है तो उस दोस्ती में दरार पड़ जाती है और जितनी गहरी वो दोस्ती होती है उतनी ही गहरी दुश्मनी हो जाती है। दोस्तों आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये घटना भी कुछ इसी प्रकार है। जहाँ पर दो दोस्त काफी दिनों से एक दूसरे के साथ रहते थे और दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। दोस्तों कई साल ऐसे बीत गए लेकिन एक दिन ऐसा आया जब दोस्त की पत्नी ने अपने पति के दोस्त के साथ दिल लगा लिया और उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और दोनों का ये रिश्ता चोरी छुपके उसी दिन से चलने लगा। उसके बाद दोस्तों इस घटना में आगे क्या हुआ, कहानी की पूरी सच्चाई आपको वीडियो में आगे बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ASN क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों ये घटना अजमेर जिले के टाटगढ़ थाना क्षेत्र के गांव से सामने आई है। यहां के रहने वाले रामू सिंह नाम के शख्स की गांव के ही राधे नाम के 22 वर्षीय युवक के साथ काफी अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती के चलते राधे रामू के घर पर आता जाता रहता था। इस दौरान राधे की रामू की पत्नी रीना से बातचीत और हंसी मजाक भी हो जाता था। दोस्तों देखते ही ये बातचीत और हंसी मजाक कब दोस्त की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग में बदल गया पता ही नहीं चला। दोस्तों राधे अपने दोस्त की पत्नी के साथ अपने इस नाजायज रिश्ते को चोरी चुपके चलाता रहता था। काफी दिनों तक इन दोनों का रिश्ता ऐसे ही चोरी चुपके चलने लगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि सच्चाई को कितना भी आप छुपा लोगे एक न एक दिन सामने आ ही जाएगी। दोनों के इस अवैध संबंध की भनक आखिरकार दोस्त को लग गई, जिसके बाद उसने इसका विरोध किया और दोनों को समझाकर आगे से दोबारा ऐसी गलती करने से मना कर दिया। इस पर राधे ने रामू के आगे हाथ पैर जोड़कर माफी मांगी। लेकिन दोस्तों जो इंसान एक बार इस दलदल में फंस जाता है उसका बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रामू के समझाने से दोनों कुछ दिन तो शांत रहे लेकिन फिर से दोनों वही कर्म करने लगे। दोस्तों एक रात ऐसी आई जब रामू और राधे दोनों ने उस रात पार्टी की, दोनों ने शराब पी और उसके बाद रामू अपने घर चला गया। लेकिन कुछ देर बाद राधे शराब के नशे में रामू की पत्नी का नाम लेते हुए उसके घर में घुस आया। राधे की ये हरकत रामू को बर्दाश्त नहीं हुई और वो गुस्से से लाल हो गया। दोस्तों रामू के गुस्से को देखकर उसकी पत्नी रीना ने भी अपना पहला बदल लिया और अपने पति का साथ देते हुए अपने पति के दोस्त से झगड़ा करने लगी। दोस्तों धीरे धीरे ये दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि इस झगड़े ने एक हत्याकांड का रूप ले लिया। दोस्तों पति पत्नी ने मिलकर राधे का गला और मुंह दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और रात के अंधेरे में ही दोनों ने उसके शव को भारी पत्थर से बांधकर गांव के एक कुएं में ले जाकर फेंक दिया ताकि उसका शव ऊपर ना आए। एक दिन बीता, दो दिन बीता, तीसरा दिन ऐसे ही बीत गया दोस्तों। लेकिन जब राधे का कोई पता नहीं चला तो उसके सभी परिजन उसे ढूंढने लगे लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद राधे के पिता ने उसके गायब होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। दोस्तों रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस राधे की खोज में जुट गई लेकिन राधे का कोई पता नहीं चल सका। तकरीबन 10 दिन बाद किसी ने देखा कि कुएं में किसी शख्स का शव तैर रहा है। दोस्तों सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोस्तों रिपोर्ट में सामने आया कि इस इंसान की हत्या की गई है और उस रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि यह हत्या गला घोटकर की गई है, जिसके बाद पुलिस मामले का खुलासा करने में जुट गई। पुलिस को राधे के घर वालों और आसपास के पड़ोसियों के जरिए पता चला कि राधे की गांव के ही रामू के साथ काफी अच्छी दोस्ती थी। ज्यादातर वो उसके साथ ही अपना समय बिताता था। उसके बाद पुलिस ने शक के तौर पर रामू को हिरासत में लेकर उसे पूछताछ करना शुरू कर दिया। पहले तो दोस्तों रामू ने पुलिस को इधर उधर बरगलाया लेकिन जब पुलिस ने रामू से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया और घटना की सारी सच्चाई पुलिस वालों को बता दिया। जिसके बाद पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए रामू और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया। तो दोस्तों गलत रास्ते पर चलकर अपना जीवन बर्बाद ना करें। आप लोग भी ऐसे आपराधिक मानसिकता से दूर रहे, ऐसी आपराधिक मानसिकता रखने वालों लोगों की पहचान करें, उनसे सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने यार दोस्तों को सुरक्षित रखें, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमेशा देखते रहें ASN
क्राइम अफेयर।